वालेकुम दोस्तों, हॉलीवुड शोबीज़ में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अफ़ान वहीद ने और रमशा ने शादी कर ली है और ये आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जब अफ़ान वहीद ने अपनी शादी की तमाम तर तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने फैंस के साथ शेयर की तो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए और उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो रमशा से शादी कर लेंगे और वो इस कदर खुश दिखाई देंगे। और भी बहुत से लोगों के रिएक्शंस थे, हम उनकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, तमाम वीडियोस और पिक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अफ़ान वहीद के बारे में कौन नहीं जानता है। अफ़ान वहीद जब से इस शोबिज़ इंडस्ट्री में आए हैं सबके दिलों पर छा गए हैं। अफ़ान वहीद जहां पुरकशिश चेहरा रखते हैं, साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक भी हैं। अफ़ान वहीद बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत अदाकाराओं के साथ, लेकिन कभी भी उनका अफेयर किसी के साथ। अफ़ान वहीद जिसको लोग समझते थे कि वो सिंगल हैं अब तक, और बहुत सी लड़कियाँ मरती भी थी, और बहुत सी लड़कियों का कहना था कि ये खबर सुनकर हमें तो हार्ट अटैक होने लगा था, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि अफ़ान वहीद इतनी जल्दी शादी कर लेंगे और वह रमशा से करेंगे। बहुत से लोगों का कहना था कि हमें ये खबर सुनकर बहुत ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि उससे पहले अफ़ान वहीद ने हमसे ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं की थी कि वो रमशा से शादी करने वाले हैं। हम आपके साथ उनकी तमाम तर तस्वीर को शेयर कर रहे हैं जिसमें रमशा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। स्काई ब्लू, पिंक और रेड कपड़ों में से आपको किस कपड़ों में वो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफ़ान रहीद ने इनके साथ सिर्फ ऑन स्क्रीन शादी की है, ऑफ स्क्रीन नहीं। क्या आप लोग चाहते हैं कि अफ़ान रहीद असल में रमशा से शादी कर लें तो हमसे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।